इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं गठबंधन की राजनीति के लाभ और हानि के बारे में, फायदे और नुकसान के बारे में। एक साथी ने मुझे सवाल पूछा, अभी मैं एक चर्चा में था, वहां पर क्लासरूम डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, एक बहुत लोगों के काम आने वाला है कि इसका लाभ क्या होता है जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी हानि क्या होती है। सबसे पहले मैं लाभ की बात कर लेता हूं। गठबंधन का जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी, अमूमन जनता को लाभ होता है। बहुत रेयर केस है कि इसका कोई ज्यादा नुकसान हो जाए। ज्यादा नुकसान गठबंधन का नहीं होता। गठबंधन में कुछ पार्टियों को नुकसान जरूर होता है। पार्टियों के लिए आदर्श स्थिति नहीं है गठबंधन, ये तो एक टेम्परेरी जुगाड़ है। पार्टियां तो चाहती हैं कि पूरी मेजोरिटी आ जाए, थंपिंग मेजोरिटी आ जाए, टू थर्ड मेजोरिटी आ जाए, ताकि हमें कोई रोके ही ना। लेकिन जनता के हित में अगर कोई चीज है तो गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन की राजनीति है। और उसके दो तीन लाभ बताता हूं। पहला लाभ, और इससे आप सब सहमत भी होंगे, पहला लाभ तो ये कि अगर गठबंधन की सरकार है और सरकार में बैठे लोग जनता के खिलाफ कुछ भी करना चाहे, कोई भी ऐसा मुद्दा उठाना चाहे जिससे जनता को नुकसान होने वाला है, तो उन्हें डर बना रहेगा। एक तो गठबंधन के साथियों का डर बना रहेगा, दूसरा जनता ज्यादा वोकल होकर के बोलेगी, क्योंकि सारे हमारे समर्थक नहीं है, सब जगह हम जीत करके नहीं आए। जनता के हित में ही निर्णय लेना पड़ेगा। कोई मनमर्जी नहीं चलाई जा सकती, कोई मनमर्जी नहीं थोपी जा सकती। अगर केंद्र में 2014 से 2019 के बीच में जब नोटबंदी की गई 2016 में, उस समय अगर गठबंधन की सरकार होती तो मैं लिख करके दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गलती नहीं करती कि नोटबंदी कर दे जिससे कि जो लाभ बताए गए कोई लाभ नहीं हुआ। आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भूल गए और वो चाहते जनता भी भूल जाए कि हमने नोटबंदी करी थी कभी। क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। जितना पैसा वो सोच रहे थे 4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएगा, उससे ज्यादा पैसा आ चुका है साहब। बैंकों में 99.9% से ज्यादा पैसा आ चुका है और अभी कई कई जगह पर पैसा बचा हुआ है। तो सरकार को लाभ नहीं हुआ। नोट छापने में जो पैसा लगा 30-35 हजार करोड़ रुपए, वो एक्स्ट्रा लग गया। ये मैं तय करके मतलब लिख कर दे सकता हूं कि अगर फुल मेजोरिटी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि 272 से ज्यादा सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 283 या 284 सीट थी पहली बार में, तो अगर उन्हें मालूम था कि एनडीए वाले साथ ना भी दें तो भी हम काम कर लेंगे, और फिर गठबंधन वाले तो फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने साथ देना ही था, साथ दे दिया। अगर बीजेपी की सीटें होती 150-160 और सरकार एनडीए की होती, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये गलती नहीं करते, करने ही नहीं दी जाती। ऐसी गलत जीएसटी लगा देना, ऐसे लॉकडाउन बिना तैयारी के लगा देना, क्यों हो पाया? क्योंकि मेजोरिटी थी, कोई रोकने वाला नहीं था, वरना डिस्कशन होता, बताया जाता, मजदूर पैदल चलेंगे। समझा ही नहीं देश को कि देश कितना बड़ा है, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, और कितने मतलब 200-500 हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। बस अचानक रात को बोल दिया कि कल से देश बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, इतने बड़े देश में तो नहीं होता है। और जिन्होंने व्यापार अभी शुरू किया 2 महीने पहले 4 महीने पहले, उनका व्यापार का क्या होगा? जिन्होंने कर्जा लिया है, बैंक वाले उनकी जमीन को, उनके घर को, उनके दफ्तर को, उनकी फैक्ट्री को कब्जा कर लेंगे, उसका क्या होगा, कैसे बचाएंगे, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। बाद में जब पता चला कि नुकसान हो गया, तो वो तो हो गया क्योंकि गठबंधन की सरकार नहीं थी, होती तो डिस्कशन होता, या किसानों के जो कानून बनाए गए, अगर गठबंधन की सरकार होती तो ना तो अध्यादेश लाया जाता और ना ऐसे कानून बनाए गए होते, और अगर बनाए गए होते तो कोई ना कोई दल उनके खिलाफ हो जाता, जैसे अकाली दल हुआ। अकाली दल के पास उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार गिराने की ताकत होती तो वो कभी वो कानून नहीं लाती। तो जनता के हित में ही लाभ होता है अगर गठबंधन की सरकार हो तो। पहला तो लाभ ये होता है कि मनमर्जी नहीं चलती। दूसरा लाभ क्या होता है? दूसरा लाभ क्या होता है कि हर विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ही सरकार में नहीं है। सरकार में लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, लेफ्ट टुवर्ड राइट है, राइट टुवर्ड लेफ्ट है, सेंटर भी है, तो हर तरह की आइडियोलॉजी, हर तरह के विचार। जैसा देश है हमारा, कि देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग मान्यताओं के, अलग अलग विश्वास के, अलग अलग मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व होगा। और जब सबका प्रतिनिधित्व होगा तो चाहे कोई कितना ही कम संख्या में क्यों ना हो, अगर उनके अहित हो रहा होगा, उनके खिलाफ कोई काम किया जा रहा होगा, तो तुरंत वो पक्ष बोलेगा, और अगर उसकी बात सही होगी तो जनता भी उसका साथ देगी। और अंदर जब कोई बोला जाता है, जब कैबिनेट मीटिंग में बात की जाती है, जब सामने सबके सामने नेताओं के सामने बात रखी जाती है, तो बड़ी बड़ी पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को झुकना पड़ता है। गठबंधन की राजनीति से यह भी लाभ जनता को हो जाता है। कुछ हानियां भी है, एक दो हानियां होती है, जैसे स्थिर सरकार नहीं मिल पाती। अब सरकार स्थिर नहीं होगी, मान लो 6 महीने 8 महीने एक साथ सरकार चली और फिर समर्थन वापस ले लिया, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे, तो दोबारा चुनाव होंगे तो क्या होगा? चुनाव का खर्च कहां से आएगा? चुनाव का खर्च तो जो हम टैक्स देते हैं वहीं से आएगा।
वो क्योंकि डायरेक्ट हम पर बर्डन नहीं पड़ता, तो इसलिए जनता को लगता नहीं है हमारा क्या नुकसान हुआ। 10 बार चुनाव हो जाए साल में, वैसे भी होते रहते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव, कभी जिला पंचायत के चुनाव, कभी पार्षद के चुनाव, अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। लेकिन वो टैक्स का पैसा जो विकास में लग सकता था, डेवलपमेंट में लग सकता था, जो और काम हो सकते थे, ऑल्दो उसमें भी गड़बड़ झाला होता ही है, लेकिन कम से कम जो पैसा कहीं और लगता है, कुछ तो फायदा होता जनता का, वो चुनाव में खर्च हो गया जिसका कोई लाभ नहीं है। तो एक तो ये नुकसान है कि बार बार चुनाव होते हैं, अस्थिर सरकार होती है तो डर बना रहता है। दूसरा एक और नुकसान है जनता के हित पे, जनता के लेवल पर, नेताओं के लेवल पर तो बहुत सारे नुकसान है, कभी इस पर भी बात करेंगे। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो गठबंधन की सरकारों में कुछ देश हित के मुद्दों पर भी कई बार आम सहमति ना बन पाने के कारण निर्णय नहीं लिए जाते, निर्णय पेंडिंग रखने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा निर्णय है जो लेना है, देश हित में है, लेना चाहिए, लेकिन कुछ दल, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका वोट शेयर या जिनका सीट शेयर ज्यादा है और वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके राज्य का डेमोग्राफिक सिचुएशन चेंज हो जाएगा, उनकी चुनाव जीतने की संभावना कम हो जाएगी, या उससे उनको तुरंत लाभ ना होकर के हानि हो जाएगी, और जो सरकार है या जो पार्टी सबसे बड़ी मेजोरिटी में है या लार्जेस्ट पार्टी है उसको लाभ हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते उसको उनके राज्य में लाभ हो जाए। तो फिर कई बार ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, जनता का नुकसान हो जाता है, कई बार राष्ट्रहित के ऐसे मुद्दों पर पीछे हटना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं होती है। बट ये भी अमूमन देश हित के मुद्दों पर सारी पार्टियां साथ आई जाती हैं, अगर नहीं आती हैं तो जो पार्टी उसका विरोध कर रही होती है वो दूसरी पार्टी जो उसका समर्थन कर रही है वो जनता के बीच में जाकर के बात रखती है, और फिर जनता की नजरों में उस पार्टी की इमेज खराब हो जाती है, जो ज्यादा बड़ा नुकसान है। और पार्टियों के लिए तो बहुत मुफीद है, बहुत फेवरेबल है कि उनका फुल मेजोरिटी की सरकार बने, और थंपिंग मेजोरिटी जैसे दिल्ली में आई, 70 में से 67 सीटें ऐसी होनी चाहिए, कोई अपोज करने वाला ना हो, कोई विरोध करने वाला ना हो, जो चाहे हम करें, राजा बन करके रहें, जनता जाए जहां जाना चाहती है। 6 महीने चुनाव से 6 महीने पहले जनता को लॉलीपॉप दे देंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर देंगे, फिर जनता का वोट ले लेंगे, क्योंकि अपोज करने वाला नहीं है, हमारे बिलों में कमियां निकालने वाला नहीं है, हमारे कामों को टोकने वाला नहीं है, हमारी जो भी काम हमने कर दिए, जो हमने फीडबैक दे दिया, जो हमने बोल दिया वही सही हो गया, अब कोई उस पर क्वेश्चन मार्क करने वाला, प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं होता। ये लाभ है पार्टियों को, इसलिए पार्टियां तो चाहती हैं फुल मेजोरिटी की सरकार, मतलब ये हानि है गठबंधन की सरकार में। तो मैंने कोशिश की मोटे मोटे तौर पर बताने की, बाकी कभी विस्तार से इस टॉपिक पर और बात करेंगे कि गठबंधन से क्या लाभ है, क्या हानि है, और जनता के हित में कैसे है गठबंधन की सरकार, उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।